सो वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज मेरा बर्थडे है तो आज मैं अपने बर्थडे का ब्लॉग खुद शूट करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा अजीब है ना कि हाँ जिसका बर्थडे है वही ब्लॉग शूट कर रहा है, पर यस मैं अपने बर्थडे का ब्लॉग आज खुद शूट कर रही हूँ। तो मैं जल्दी नहा चुकी। अच्छा ऐसा बहुत लोग के साथ होता होगा ना कि जिनका बर्थडे होता है वो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं उसी दिन, वरना वो इतना लेट करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मतलब आज बर्थडे तो सोचा मैं कि उन्हें जल्दी नहा लूँ क्योंकि अनन्या बाहर गई हुई थी। मैंने सोचा कि उन्हें यार टाइम है नहा ही लो, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी। और प्लीज़ अवॉइड करना जो ये बाहर का शोर है। वो अनन्या ऊपर है बड़े नाना के पास, वो पोएम देखो, उसे पोएम देखना इतना अच्छा लगता है। तो पोएम कह लो या फिर बाल गणेश का सॉन्ग, उसे इतना अच्छा लगता है देखने की क्या बताऊँ। तो उसी में बिज़ी रहती है। तो अब जब नीचे आएगी तो मैं मालिश उसी करूँगी, फिर उसे भी अच्छे से रेडी करूँ, क्योंकि जब मम्मी का बर्थडे है तो बेटी भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। नन्ना क्या खा रही हो आप? मम्मा को भी खिला दो। आ आ अनन्या मम्मा को भी खिला दो। अकेले अकेले खाओगे आप? अनन्या खिला दो मम्मा को। जाओ ये देखो मम्मा के पास तस आ रहा है। अच्छा इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कर रहे हो? ड्रेस जो मैं केक करते टाइम पहनने वाली हूँ। मैं गई थी शॉपिंग करने तो मुझे ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी, खासकर इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने ये पूरी ड्रेस ली है। मैं ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने इयररिंग्स भी पहन लिए है और अब मैं जा रही हूँ अपना बर्थडे मेकअप करने। मैंने मॉइस्चराइजर पहले लगा लिया था और ये जो लिपस्टिक है ये मैंने पहले लगाई हुई थी तो उसी का वो स्टेन है। तो अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं मॉइस्चराइजर तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और मेरा शेड है 120 क्लासिक आईब्रे, बहुत थोड़ा सा ही मैं लूँगी। मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अब मैं कंसीलर अप्लाई, जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स लगेंगे मैं वहाँ वहाँ लगा लूँ, जैसे अंडर आईज में है, मेरे आईलिड पे भी है और थोड़ा सा साइड साइड में बस।
उसी के मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा कंसीलर और फाउंडेशन डन हो गया। अब जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी फिलिंग लग रही है मैं आईब्रो पेंसिल से उसे फिल कर लूँ। तो आप कोई भी रैंडम आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। मैं भी कर लूँगी। तो मैंने अपने आईब्रो फिल कर ली और जो मैंने कलर यूज़ किया वो है ब्राउन। आप भी ब्राउन यूज़ करना, ब्लैक मत यूज़ करना, क्योंकि ब्लैक अगर यूज़ करोगे तो आईब्रो आपकी बहुत ही अनइवन लगेगी। मैं आई शेडो यूज़ करूँगी और मैं बहुत हल्का सा ही शिमर गोल्डन यूज़ करूँगी। तो मैं स्विस ब्यूटी से ही मैं जो शेड यूज़ करूँगी गोल्डन का, मैं गोल्ड यूज़ कर रही, बहुत ही लाइट ही मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी। एक्सेस को पहले तो डस्ट ऑफ कर देते हैं। अगर सिर्फ आप जैसे आप सिंपल मेकअप चाहते हो, एकदम ज़्यादा नहीं ओवरलोड वाला नहीं चाहते हो, सिंपल एंड सटल मेकअप चाहते हो, तो बस आईज़ पे आप गोल्डन आई शेडो भी अप्लाई कर दो, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा, जैसे मेरा लग रहा है। क्योंकि मेरा बर्थडे घर ही मैं सेलिब्रेट कर रही, तो मैंने आई शेडो गोल्डन अप्लाई किया और उससे मेरी आईज़ बहुत ही अच्छी लग रही। तो अब मैं इस पर लाइनर लगाऊंगी ताकि मेरा मेकअप पूरा कम्प्लीट हो जाए। मैं लिक्विड आई लाइनर अप्लाई कर रही। मैं आईलाइनर कैमरे में देख के नहीं लगा पाती तो मैं ऑफ कैमरा लगा ले रही। सो मेरा आईलाइनर भी डन हो चुका है। मैंने सिर्फ सिंपल सा विंग आईलाइनर ही यूज़ किया और मैंने लोअर वाटर लाइन पर मैं काजल नहीं अप्लाई कर रही क्योंकि मुझे काजल तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये है मेरा सिंपल एंड सटल मेकअप। अब बस मैं लिपस्टिक अप्लाई कर ले रही। लिपस्टिक मैं पिंक शेड यूज़ करूँगी जो है डार्लिंग इजाबेला का। मैं लिपस्टिक लगा लूँ क्योंकि मैंने यही शेड लगाया तब। लिपस्टिक भी डन एंड लास्ट बचा है बस ब्लश। अप्लाई स्विस ब्यूटी से ही अपनी ब्लश मैं अप्लाई कर और मैं ये शेड यूज करूंगी। जो शेड मैं यूज कर रही वो है पीच। एक्सेस डस्ट ऑफ कर दे रही। सो मेरा मेकअप डन हो चुका है और मैं हाइलाइटर यूज नहीं करूंगी। सो जैसे मेरा मेकअप तो हो चुका है, अब बस मुझे अपने बाल सही करने हैं। तो मैं जल्दी से बालों में हेयर स्टाइल बना लूं, फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी।
मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो, और अद्विका ने तो उसमें और ही चार चांद लगा दी, क्योंकि उसने मेरा केक बहुत बुरी तरीके से स्मैश किया। उसने केक तो स्मैश किया, प्लस उसने अपने कपड़े भी इतने अच्छे तरीके से ख़राब किए कि क्या बताएं। तो ओवरऑल आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे भी नहीं हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।